हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। आज का टॉपिक है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कि हमारे समाज में गुम होते जा रहा है, उसके बारे में संक्षिप्त चंद लाइन में आपको बताना चाहती हूँ, जो कि हर आदमी अपने लाइफ में उसको फॉलो करे, अपने ज़िंदगी में उसको उतारे, तो वो बहुत ही अच्छा समाज और परिवार और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो ऑनेस्टी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो आदमी का मॉरल होता है। ऑनेस्ट व्यक्ति जो होता है, ऑनेस्ट आदमी जो है, उस पर सभी भरोसा करते हैं। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है, सबसे अच्छी नीति है। ईमानदार व्यक्ति जो है, वो जो है कोई भी डिफ़िकल्ट, कोई भी मुश्किल सिचुएशन में भी वो अपना हल निकाल सकता है, उस पर लोग भरोसा करता है। किसी मामले में, चाहे पैसे के मामले में या किसी के मामले में, लोग हमेशा भरोसा करता है। सोसाइटी का भी वो रोल मॉडल होता है। जो ईमानदार व्यक्ति होता है, उसका लोग उदाहरण देता है, उसका एग्जाम्पल देता है कि देखो वो कितना ईमानदार है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह करके ईमानदार जो व्यक्ति है, आजकल बहुत कम मिलता है, उसका बहुत वैल्यू रहता है। ईमानदार व्यक्ति जो है मिरर होता है हमारे सोसाइटी का। ईमानदारी से रहने से आप चाहे कम काम करें या ज़्यादा काम करें, आदमी आपको बहुत वैल्यू देगा। और जो इसका जो है वो उसका लाइफ भी अच्छा रहता है, क्योंकि उसके अंदर मन में छल प्रपंच नहीं होता है, वो ईमानदारी से हर काम है ना अपना, उसमें पंचुअलिटी भी रहता है किसी कार्य करने को, किसी काम करने को। और उसके अंदर में अगर वो ईमानदार व्यक्ति कोई रहेगा, तो उसके अंदर में सोचने का, समझने का, गलत सोचने समझने की नहीं रहता है शक्ति। और सामने वाला भी किसी बात पर, किसी सिचुएशन पर, उस पर भरोसा करता है, चाहे पैसे के मामला में हो या किसी के मामला में। ऑनेस्टी जो होता है वो डेवलप करता है पंचुअलिटी और डिसिप्लिन। और ऑनेस्ट पीपल जो है ना, हमेशा उसका कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा रहता है, गुड मॉरल कैरेक्टर होता है। उसको जो है प्यार भी सब करता है, इज्जत भी करता है सभी आदमी, और अपने लाइफ में भी वो बिकम ए सक्सेसफुल लाइफ, वो अपना लाइफ भी बहुत अच्छा जीता है। इस तरह करके जो है उसका कॉन्फिडेंट भी रहता है, क्योंकि आप अगर गलत कुछ नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं किसी काम करने के लिए, कि ये काम कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंट रहता है। इस तरह करके ऑनेस्ट व्यक्ति जो है ऑलवेज, हमेशा उस पर ट्रस्ट और भरोसा किया जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव उसका वे होता है सोचने का। और जो है बिजनेस का भी, किसी भी काम में आप देखिए, हर बिजनेस में है या हर जगह ऑनेस्ट व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट व्यक्ति जो है भरोसे के लायक रहता है। नहीं तो किसी का भी बिजनेस हो, कुछ भी हो या कहीं भी काम हो, हर जगह ईमानदारी का पूजा किया जाता है। बेशक वो जो ईमानदार व्यक्ति हो वो कम काम करता हो, बट उसकी ईमानदारी ही उसके काम को का पहचान है। आज इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस फिर दोबारा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। जो ईमानदार व्यक्ति है उसका पूजा हर जगह होता है, उसकी इज्जत रिस्पेक्ट हर जगह होता है। इसलिए ईमानदार बने, हर जगह आपका इज्जत, और वो इज्जत होगा और आपका आदर होगा, और आपके ऊपर लोग भरोसा करेगा। ट्रस्ट, भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी चीज़ पे अगर किसी का भरोसा आप जीत लेते हैं, तो सोचिए बहुत बड़ी जीत होती है। इसीलिए ईमानदारी रखें, और अपने फील्ड में जो जहाँ रहें वो आगे बढ़ें। ईमानदारी का जो ग्रोथ होता है वो बेईमानी के ग्रोथ से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए ईमानदार रहें, और सबको, सबका भरोसे का पात्र बने। आज बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।